हे दोस्तों, मैंने हाल में ही एक चैनल बनाया है। उसका लोगो कुछ इस तरीके से है और उस चैनल का नाम अंशुपाली है। और देखो, उस चैनल पर मैं जब भी कहीं बाहर घूमने जाऊंगा तो उससे रिलेटेड उस पर ड्राइंग बनाऊंगा। अब आप कौन से शहर में रहते हो, इन फ्यूचर आपके मैं शहर को विज़िट करता हूँ तो आपसे मैं मिलूँगा भी और आपके साथ ड्राइंग भी शेयर करूँगा। और आपके सिटी के जो भी इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है और जो घूमने वाली चीज़ें हैं उसे भी मैं बनाऊंगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। एंड नाउ कमिंग द पॉइंट्स, उस चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी उसका वीडियो आ रहा है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डायमंड हेड को बनाएंगे और डायमंड हेड को 3 स्टेजेस में बनाएंगे। पहला जो स्टेज होगा जिसमें हम पेंसिल की हेल्प से रफ स्केच करेंगे, और दूसरा जो स्टेज होगा उसमें हम लोग आउटलाइन बनाएंगे, और तीसरा जो हमारा स्टेज होने वाला है उसमें हम कलर्स को करेंगे। तो इन तीनों स्टेज को ध्यान से देखना और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा पहला स्टेज था उसमें हमने कुछ रिंग्स बनाए हैं और कुछ पेंसिल की लाइंस बनाई है। अब हम लोग स्टेज टू में एक परमानेंट मार्कर की हेल्प से इन रिंग्स के ऊपर कुछ फेस बनाएंगे और लाइंस को आउटलाइन करेंगे। तो स्टेज को ध्यान से देखना। शुरुआत हम पहले वाले रिंग से करेंगे, ये देखो। अभी आपने डायमंड हेड देखा है ना, तो इस जगह पे हमें क्या करना है, एक ओमनी ट्रिक्स बनाना है। आपको पता ही होगा कि सारे एलियंस में ओमनी ट्रिक्स की निशान होता है। तो इस जगह पर हमने ये देखो ओमनी ट्रिक्स बना दिया। इसे हमें डिवाइड करना है, लेकिन पहले हम पैर को कंप्लीट करते हैं। Yeah.
तो ये हमने इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये जो हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर काफ़ी सारे दो, खास करके दो पॉइंटेड लाइंस निकले होते हैं, तो उसे भी आप बना दो ताकि ये प्योर डायमंड हेड दिखने लगे। ये देखो, और पूरी की पूरी ड्राइंग में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारी की सारी चीज़ क्रिस्टल में बनाना है। तो ये हमने बना दिया है, ये जो हमारी पेंसिल से हमने रफ स्केचेस किए थे सबको इरेज करेंगे। अब चलते हैं स्टेज थ्री के ऊपर। इस डायमंड हेड को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डॉम्स की पेंसिल, और मैं आपसे अक्सर कहता हूँ यार कि हमेशा डॉम्स की पेंसिल खरीदा करो। और इसके बारे में आपको जानना है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ रही है, और इसमें मैं जो कलर यूज करूँगा वो है पहले तो ये कलर, ये आपको इस पेंसिल में मिलता है, बाकी और दूसरे कलर की पेंसिल में नहीं मिलेगा यदि आप चीप पेंसिल खोजना चाहते हो तो, और ये ब्लैक। इन दो कलर्स की हेल्प से आज हम बनाने वाले हैं डायमंड हेड को। वीडियो को पूरा देखना, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। तो यार हमारा जो डायमंड हेड है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसे बनाने के लिए मैंने तीन स्टेजेस का इस्तेमाल किया है। आप भी इन तीन स्टेजेस को यूज करो और अपने लिए बनाओ ये डायमंड हेड। तो इसे ट्राई करो और मेरे और भी वीडियोस को देखते रहो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।